फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? फ्रेंड्स, आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है हाउ टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली एंड कॉन्फिडेंटली। फ्रेंड्स, क्या आप भी उन लोगों में से एक हैं जिन्हें इंग्लिश समझने में, लिखने में, पढ़ने में कोई तकलीफ नहीं होती, लेकिन अगर बात की जाए इंग्लिश में बात करने की तो आप बात करते वक्त हेजिटेट होते हैं, बात करते वक्त आप अटक जाते हैं, या फिर आपको राइट वर्ड्स नहीं मिलते अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए? अगर आप भी सेम प्रॉब्लम फील करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए डेफिनेटली बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। आज की वीडियो में मैं आपको दूंगी कुछ ऐसे टिप्स जिससे आप अपनी इंग्लिश इम्प्रूव कर सकते हैं, जिससे आप फ्लुएंटली एंड कॉन्फिडेंटली इंग्लिश में बात कर सकते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं ऐसे ही कुछ टिप्स। नाउ द टिप नंबर 1, ऑलवेज थिंक इन इंग्लिश। फ्रेंड्स, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टिप है। अगर इस टिप को आप डेली प्रैक्टिस में लाते हैं तो आप डेफिनेटली एक फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर बन सकते हैं। फ्रेंड्स, हम सबके माइंड में दिन भर में काफी सारे थॉट्स आते हैं, हम दिन भर में काफी कुछ सोचते रहते हैं। आप ट्राई करिए कि जब भी आप सोचते हैं हमेशा इंग्लिश लैंग्वेज में ही सोचिए। फ्रेंड्स, हमें शुरू से ही हिंदी में बात करना सिखाया जाता है, इसीलिए हमारी आदत भी हमेशा हिंदी में बात करने की, हिंदी में सोचने की ही बन जाती है। इसीलिए जब कभी हमें इंग्लिश में बात करनी होती है तो हम सबसे पहले उस पर्टिकुलर सेंटेंस को अपने माइंड में हिंदी टू इंग्लिश कन्वर्ट करते हैं, जिसकी वजह से हमारी इंग्लिश लैंग्वेज में फ्लुएंसी नहीं आ पाती है। जब भी हम बात करते हैं तो हम बात करते करते बीच में अटक जाते हैं, क्योंकि हम अपने माइंड में उस पर्टिकुलर सेंटेंस को पहले हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करते हैं, जिसकी वजह से हमें बात करने में टाइम लग जाता है या हम थोड़ा टाइम ले लेते हैं, जिसकी वजह से हमारी फ्लुएंसी नहीं बन पाती है। तो आप हमेशा ट्राई करिए कि आप हमेशा इंग्लिश में ही सोचें, ताकि इससे आपकी एक हैबिट बनती जाएगी, ताकि जब भी आप इंग्लिश में बात करेंगे तो आपको उस पर्टिकुलर सेंटेंस को हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसफर नहीं करना पड़ेगा, आप डायरेक्टली इंग्लिश में कह सकते हैं, जिसकी वजह से आपकी लैंग्वेज में काफी फ्लुएंसी आएगी, जिसकी वजह से आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होगी। फ्रेंड्स, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टिप है। अगर आप इसे अपनी डेली लाइफ में प्रैक्टिस में लाते हैं तो डेफिनेटली ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगी। अगर आप इंग्लिश में सोचना स्टार्ट करते हैं तो जब कभी भी आपको इंग्लिश में बात करनी होगी तो आप इजीली उस सेंटेंस को इंग्लिश में बोल सकते हैं, जिसकी वजह से आप एक फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर बन सकते हैं। ओके, नाउ द टिप नंबर 2। नाउ द टिप नंबर 2 इज मेक मिरर योर बेस्ट फ्रेंड। फ्रेंड्स, अपनी इंग्लिश में फ्लुएंसी लाने के लिए ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि आप इंग्लिश में बात करिए, इंग्लिश में एक दूसरे से कम्युनिकेट करिए, तभी आपकी इंग्लिश में फ्लुएंसी आ पाएगी। बट जनरली हमें इंग्लिश में बात करने में हेजिटेशन फील होती है। अगर हमारे फ्रेंड सर्कल में से भी किसी को इंग्लिश आती है तब भी हम उसे इंग्लिश में बात नहीं करते, बिकॉज हमारी माइंड में ये होता है कि हमारा फ्रेंड कहीं हमारा मजाक ना उड़ाए। तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन ये है कि आप अपने मिरर को ही अपना फ्रेंड बना लीजिए। आप अपने आप को दिन में कम से कम 10 से 15 मिनट दीजिए और अपने मिरर के सामने खड़े होकर लाउडली और कॉन्फिडेंटली इंग्लिश में बात करिए। इससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आएगा और आपकी इंग्लिश में फ्लुएंसी भी आएगी। ओके, नाउ द टिप नंबर 3। टिप नंबर 3 इज बिल्ड योर वोकैबुलरी। फ्रेंड, अगर आप इंग्लिश में बात करना चाहते हैं तो ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग होनी चाहिए, क्योंकि जब तक आपकी वोकैबुलरी अच्छी नहीं होगी या आपका वर्ड नॉलेज अच्छा नहीं होगा, आप अपने आप को सही तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। जनरली होता यह है कि जब हम इंग्लिश में कम्युनिकेट करते हैं तो हमें राइट टाइम पे राइट वर्ड याद नहीं आते हैं, जिसकी वजह से हमारी इंग्लिश फ्लुएंसी नहीं बन पाती है। इसके लिए ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि आप अपनी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग करिए। वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपके पास कई सारे तरीके हैं, जैसे आप रोज ऑनलाइन वीडियो देखिए वोकैबुलरी से रिलेटेड, या फिर आप रोज न्यूज़पेपर पढ़िए। न्यूज़पेपर में आने वाले हर नए ऐसे वर्ड जो आपके लिए बिल्कुल नए हो, जिसके बारे में आप नहीं जानते हो, नोट करते चलिए। आप इंग्लिश मैगजीन्स पढ़िए, नॉवेल्स पढ़िए, इन सारी चीजों से आपकी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग होगी। नाउ द टिप नंबर 4। टिप नंबर 4 इज
यूज द वर्ड बिफोर इट लीव्स यू। अभी हमने देखा कि वोकैबुलरी बिल्ड करने के क्या क्या तरीके होते हैं, लेकिन ये बहुत ही जरूरी है कि आप इन सीखे हुए वर्ड्स को अपने डेली लाइफ में यूज करिए। अगर आप इन वर्ड्स को सीख लेते हैं, सीख के कहीं नोट कर लेते हैं, लेकिन इन्हें यूज ही नहीं करते, तो इन वर्ड्स को सीखने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि आपके लिए बहुत ही ज्यादा इम्पॉसिबल है कि आप इतने सारे वर्ड्स को याद रख सकें। इसीलिए ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि आप डेली बेसिस पे जितने ज्यादा वर्ड सीख रहे हैं, सपोज आपने एक दिन में 5 वर्ड सीखे या 10 वर्ड सीखे, आप कोशिश करिए कि किसी भी तरीके से आप उन वर्ड्स को किसी भी सेंटेंसेस में यूज कर आप उस वर्ड से रिलेटेड नए नए सेंटेंसेस बनाएं, ताकि वो वर्ड आपको काफी अच्छी तरीके से याद हो जाए और जब आप चाहे उन वर्ड्स का यूज कर सके। तो ये थी आपकी टिप नंबर 4। नाउ अब हम देखते हैं टिप नंबर 5। टिप नंबर 5 इज प्ले गेम्स। फ्रेंड्स, हम सब फ्री टाइम में अपने मोबाइल्स पे गेम खेलते रहते हैं, तो आप प्रिफर करिए कि जब भी आप गेम खेलें, आप इंग्लिश से रिलेटेड गेम खेलिए, जैसे कि स्क्रैबल या स्पेल वर्ड। इन सब गेम से आपकी ऑब्जर्वेशन पावर अच्छी होगी, आपके दिमाग में नए नए वर्ड्स क्रिएट होंगे, आप नए नए वर्ड्स बनाना सीखेंगे, जिससे आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होगी। तो आप कोशिश करिए कि जब भी आप अपने फ्री टाइम पे अपने मोबाइल पे गेम खेल रहे हो, तो आप इसी तरीके के कोई गेम खेले, ताकि आपकी ऑब्जर्वेशन स्ट्रॉन्ग हो सके। तो ये थी आपकी टिप नंबर 5। सो अब हम देखते हैं आपकी टिप नंबर 6। डोंट स्टडी ग्रामर टू मच। फ्रेंड्स, ये बात सच है कि इंग्लिश में बात करने के लिए, इंग्लिश को समझने के लिए हमें ग्रामर की नॉलेज होनी जरूरी है, बट हमें बहुत ही ज्यादा ग्रामर में उलझ के नहीं रह जाना है, क्योंकि आपने भी ये नोटिस किया होगा, जो नेटिव इंग्लिश स्पीकर होते हैं वो कभी भी ग्रामर के बारे में नहीं सोचते, वो जनरली ग्रामर में मिस्टेक करते हैं। इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि जब भी आप इंग्लिश में बात करें, आप ग्रामर के बारे में बहुत ज्यादा वरी ना करें। हाँ, ये बात सच है कि आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि आप जब किसी भी सेंटेंस का यूज कर रहे हैं, आप उसे फ्यूचर टेंस में बोल रहे हैं, पास्ट टेंस में बोल रहे हैं, प्रेजेंट टेंस में बोल रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कब किस वर्ड का प्रॉपर यूज करना है, कब किस ग्रामर का प्रॉपर यूज करना है। बट अगर आप बहुत ही ज्यादा ग्रामर को इन्वॉल्व करेंगे बात करते वक्त, तब आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आपको बहुत ही ज्यादा सोचना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपकी इंग्लिश में फ्लुएंसी नहीं आ पाएगी, जिसकी वजह से आप नर्वस हो जाएंगे और आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी दिखाई देगी। इसीलिए ये जरूरी है कि जब भी आप इंग्लिश में बात करें, तो आप ग्रामर के बारे में बहुत ज्यादा मत सोचें। ओके, तो ये थी आपकी टिप नंबर 6। नाउ अब हम देखते हैं टिप नंबर 7। टिप नंबर 7 इज गेट मोर आउट ऑफ लिसनिंग। फ्रेंड्स, एक फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर बनने के लिए ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि आप दूसरे लोगों को इंग्लिश में बात करते हुए सुने। इसके लिए सबसे बेटर वे यही है कि आप इंग्लिश मूवीज वॉच करिए, या फिर आप अगर हिंदी मूवीज वॉच करते हैं तो साथ ही साथ उसके नीचे के सबटाइटल्स जो कि इंग्लिश में होते हैं उसे भी पढ़ते जाइए। इससे जो आपके सेंटेंसेस का नॉलेज है वो बढ़ेगा और आप पूरे पूरे सेंटेंसेस बनाना सीखेंगे। तो ये थी मेरी सारी टिप्स, जिसके हेल्प से आप इंग्लिश फ्लुएंटली एंड कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं। फ्रेंड्स, ये जो सारी मैंने टिप्स आपको बताई है, ये कोई जादू नहीं है जिसे सुनते ही आप इंग्लिश सीख जाएंगे। ऑल आई कैन से दैट यू नीड टू डू प्रैक्टिस 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 टिल इट मेक्स यू परफेक्ट। देयर आर नो शॉर्टकट इन लाइफ, डेफिनेटली नो शॉर्टकट टू लर्न इंग्लिश। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि आप इंग्लिश फ्लुएंटली और कॉन्फिडेंटली बोल पाए, आप कोशिश करिए कि जो सारी टिप्स मैंने आपको दी हैं, उसे आप फॉलो करिए, अपनी डेली लाइफ में इन सारी चीजों को प्रैक्टिस करिए। इसके लिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा टाइम देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप जब भी कुछ सोच रहे हो, बस ट्राई करिए हमेशा इंग्लिश में सोचने के लिए, या फिर जब भी आपको जहां से भी कोई भी नया वर्ड मिले जिसका मीनिंग आपको ना पता हो, आप उसे तुरंत नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए और यूज करने की कोशिश करिए, उससे नए नए सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करिए। आपको सिर्फ अलग से दिन में 10 या 15 मिनट अपने आप को देने हैं, जिसमें आपको सिर्फ मिरर के सामने खड़े होकर इंग्लिश में अपने आप से बातें करनी है, ठीक है, जिससे आपकी इंग्लिश में फ्लुएंसी आएगी। गेम अगर आप खेल रहे हैं
ट्राई करिए इंग्लिश से रिलेटेड गेम खेलने के लिए, मूवीज अगर आप देख रहे हैं तो इंग्लिश मूवीज वॉच करिए। तो ये जो मैंने आपको टिप्स दिए हैं, आपको इसमें किसी भी तरीके का कोई भी एक्स्ट्रा टाइम देने की जरूरत नहीं है। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि अगर आपको कुछ भी नया सीखना है, उसके लिए आपकी डेडिकेशन होना बहुत ही जरूरी है। अगर आप चाहते हैं कि आप इंग्लिश अच्छी तरीके से बोल पाएं, कॉन्फिडेंटली बोल पाएं, उसके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि ये जो सारे टिप्स मैंने आपको दिए हैं, आप इसे रोज प्रैक्टिस करें, रोज ध्यान से इसे अपने डेली लाइफ में आप यूज करें। आई होप मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूले। थैंक यू।